चलो ये लो जी आपका अगला रूल, ये पढ़ाया था ना, पीपल पुलिस जेंट्री कैटल डियर नॉबिलिटी फिश, किधर भी दिखेगा, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, कभी भी इन पे एस या ईएस का यूज नहीं होगा, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, और कभी भी इन पे एस और ईएस का यूज नहीं होगा। अब ये लो ये 5 क्वेश्चन, पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगी, ये 5 क्वेश्चन पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगी। कुछ नहीं है इसमें ना, कहाँ पे रूल गलत लगा है बस ये बताना होता है। कैन यू सी दैट द केटल, देखो केटल के ऊपर वर्ब प्लूरल आती है, यहाँ क्या लगा रहे हैं, इज, आर होना चाहिए, बस इतना ही तो करना है, रूल ढूंढना है कहाँ लग रहा है। जेंट्री क्या कहता है, प्लूरल वर्ब चाहिए, डज तो सिंगुलर है, डज प्लूरल कैसे होगा, ऐसी आई एस हटा के, केटल पे तो कभी ऐसी आई एस लगता ही नहीं है, सिर्फ केटल ही अपने आप में प्लूरल है तो ऐसा हटा देना चाहिए। When I passing through the forest, I happen to see a number of deer, पे भी एस नहीं आता, कैटल हो डियर हो, इन शब्दों पे एस और एस नहीं आता, और वर्ब कैसी आती है, हमेशा हमेशा वर्ब आएगी प्लूरल। द पुलिस वर, पुलिस के लिए वर बिल्कुल सही लगा हुआ है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर, चुन दो। क्या है ये, इंग्लिश का एक सेंटेंस है, इसमें आपने ये ढूंढना है कि रूल कहाँ पे लग रहा है, रूल मिलते ही बस ये चेक करना है कि सही लगा हुआ है या गलत, अगर सही लगा हुआ है बहुत बढ़िया, गलत लगा हुआ है तो उस पार्ट को मार्क कर दो।